गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश हों। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा भी लाचा है। आज ये है ना अरबी का पत्ता, इसे हम बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाले हैं लंच के लिए। चलो शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते की और भी बहुत सी रेसिपीज मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। पात्रा भी बनाते हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं ग्रेवी वाली, और कल तो मैंने स्टीम करके बॉल्स बनाए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, और उन बॉल्स को आप कोफ्ते की तरीके से सब्जी बना सकते हैं ग्रेवी वाली। आज हम बनाएंगे पकौड़े जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। मतलब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको लगेगा हम बार बार यही पकौड़े बनाएं। अरबी के पत्तों को धो करके कपड़े से पोंछ करके पानी और जो मोटी डंठल है ना उसको इस तरीके से पतला सा नाइफ से कट करके निकाल लें। अब जो पत्ते हैं आपस में उनको पकड़ करके फोल्ड कर लें और एकदम बारीक सा इनको काट लें, लच्छे जैसे एकदम पतले पतले से आप काट लो। बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इस पकौड़े से भी आप दो तीन तरीके की रेसिपीज बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप जितना बेसन और इसमें ये बारीक कटे हुए डाले हैं अरबी के पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन डाला है और नमक स्वाद के अनुसार। एक चम्मच लेमन जूस ज़रूर डालना या फिर इमली का पानी डालना, और फिर थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हमें सबको मिक्स कर लेना है। बैटर बिल्कुल पतला ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, पकौड़े वाला बैटर बनाना है। पर इमली का पानी डालने से खट्टेपन की वजह से जो अरबी की सब्ज़ी खाने में गले में जो दिक्कत होती है वो नहीं होती है। और अजवाइन ज़रूर डालिएगा, एकदम कंपल्सरी है अजवाइन और नींबू डालना या खट्टे चीज़ डालना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बनेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करके फेंट कर रखा मैंने साइड में। अब यहाँ पर कुकर में लिए हैं चावल, क्योंकि कढ़ी बनेगी तो चावल भी बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल पहले से धो के कुकर में रख ले रही हूँ। एक कप चावल धुल करके नमक थोड़ा सा डालकर और एक चम्मच घी डालकर पानी डाल करके कुकर बंद करके साइड में रख देंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं गैस ऑन करूँगी, अभी सिर्फ मैंने तैयारी करके साइड में रखा है। अब जो हमने बैटर तैयार किया है इसको हमने पहले से फेंट करके रखा हुआ है और कढ़ाई में तेल डाल करके गरम करेंगे। सरसों के तेल में बना रही हूँ पकौड़े, आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। जैसे ही तेल गरम हुआ है और इस बैटर से छोटे छोटे से मैंने पकौड़े ड्रॉप किए हैं, फूले फूले से पकौड़े बनेंगे और अंदर है इसमें अरबी के पत्ते। जैसे कि इस तरीके से कई बार मैं पालक के पकौड़े भी बनाती हूँ, अजवाइन के पत्ते जो होते हैं ना उसके भी आप ऐसे ही पकौड़े बना सकते हैं। मतलब अगर आपको स्नैक्स की तरह भी पकौड़े खाने हैं, चाय पकौड़े, तो आप ये अरबी के पत्ते के पकौड़े ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे सबको, वो भी बिना प्याज के, बहुत टेस्टी हैं। इसमें जो अजवाइन का टेस्ट आता है इस पकौड़े में और साथ ही जो नींबू का खट्टापन आता है उससे तो टेस्ट एकदम वाओ हो जाएगा, बहुत डिफरेंट सा लगेगा टेस्ट आपको नॉर्मली जो पकौड़े खाते हैं। और हरी मिर्ची काटी हुई ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगता है। और बस पलट करके अच्छा सा गोल्डन कलर आने दो, पकौड़े फ्राई हो जाए। मैंने दो बैचेस में ये पकौड़े फ्राई कर लिए हैं और इस छन्नी में रख दिया है, इसे हम रख देंगे साइड में। और फिर अब आगे ये पकौड़े चूँकि अभी सूखे खाए जा सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी तो हमेशा ही हमारे घर में बनती है और जितनी भी चीज़ें जो बच्चे नहीं खा रहे होते, मुझे लगता है इसकी अगर कढ़ी बना दूँ तो ज़रूर इसे खा लेंगे। ये देखो अंदर से एकदम सॉफ्ट से फूले फूले पकौड़े। यहाँ पर मैंने एक बोल में लिया है हाफ कप जितना मट्ठा यानी ताक बटर मिल्क गाढ़ा सा, इसमें डाला है बेसन हाफ कप और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हींग डाली है। बैटर में हींग डालने की बहुत अच्छी टिप होती है, इससे ना कढ़ी में हींग वाला जायका बहुत अच्छा आता है। तड़के पे तो हम डालते ही हैं पर घोल में भी डाल लें। सूखे मसालों के साथ में दही और बेसन या जो मैंने ताक यूज़ किया है उसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालना है पानी, तो पानी भी डाल देंगे। तड़के के लिए राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची और हींग ये ले लिया। ये है अगारो का मल्टी फंक्शनल पॉट विद ग्लास लिड। इस पॉट में डाला है दो चम्मच तेल गरम करने के लिए, इसके बाद डाल दिए हैं तड़के की सारी चीज़ें और साथ में करी पत्ता। बस जैसे ही सारी चीज़ों को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चटकने लगी हैं सारी चीज़ें, तड़का लग गया है, फिर डाल देंगे बेसन और ताक वाला घोल और साथ में पानी भी डालेंगे। मैंने करीब इसी बोल के हिसाब से दो तीन बोल पानी भी डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, क्योंकि फिर बाद में पानी डालने से टेस्ट उतर जाता है कढ़ी का। एक बार ही जितना पानी डालना है वो पानी भी डाल लें, मिक्स कर लें और इसे ढक करके कुछ मिनट मैंने पकाया।
जैसी उबाल आने लग रही है फिर उसे बीच में हिला देंगे। नमक हम लास्ट में डालेंगे। बस अब मैंने नमक डाला है। जब कढ़ी जब अच्छे से पक जाती है ना, फिर फटने का डर नहीं होता, जो दही मट्ठा वगैरह होता है। तो आप अगर नमक लास्ट में डालते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आप पहले भी डाल देते हैं कई बार, तो आप बीच में हिलाते जाओ। जब अच्छे से दो बार उबाल आ चुकी है, फिर लास्ट में डालते हैं ये पकौड़े डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। कोई भी पकौड़े आप डालो कढ़ी में, वो सोख कर लेते हैं कढ़ी को, तो फिर कढ़ी गाढ़ी होने लग जाती है। इसको और अच्छे से पकाएंगे, उबाल आने देंगे। फिर यहाँ पर तड़के पैन में घी गरम किया है, लाल मिर्ची उसमें हींग डाली है और कसूरी मेथी डाली है। तड़का तैयार कर लिया है। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने डाला कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और इसमें डाला है तड़का, और तड़का डाल करके मिक्स कर देंगे। अरबी के पत्तों की कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, अरबी के पत्तों के पकौड़े वाली कढ़ी। तो ये हमारी पकौड़ा कढ़ी भी रेडी हो गई है, और आप अरबी के पत्ते से पकौड़े भी खा सकते हैं। तो एक साथ दोनों काम हो सकते हैं। चूँकि सुबह सबका नाश्ता हो चुका, शुभम स्कूल गया टिफ़िन लेकर के, तो उसको तो भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी, तो पकौड़े खाने वाला भी कोई घर में था नहीं, इसलिए मैंने उन पकौड़ों को कढ़ी में यूज़ किया। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप पकौड़े खाना चाहते हैं। बारिश के सीज़न में अरबी के पत्ते बहुत आते हैं, और बारिश में ही पकौड़े की भी जितनी भी वैरायटी बनाओ उतना ही कम है। कॉर्न पकौड़े अच्छे लगते हैं अरबी के पत्ते के, पालक के, कोई से भी जो भी आपको पसंद है, प्याज और आलू के तो बनते ही हैं। तो बच्चों को सब्ज़ी खिलाने के ना बड़े जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं मम्मियों को। अगर यही अरबी की सब्ज़ी बना दो, अब नहीं खा रहे हैं, पर अगर पकौड़े बन गए तो खा लेंगे। कढ़ी में डल गए वही पकौड़े, तभी देखना शौक से कढ़ी चावल खाए जाएंगे। तो वही चीज़ है, जो पसंद है उसके हिसाब से कुछ हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने कभी ये कढ़ी नहीं बनाई है, तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि एक बार तो ट्राई करना बनता है, और पक्का सबको पसंद आएगी, स्पेशली जिनको कढ़ी पसंद। अब कढ़ी ही नहीं पसंद है जिनको, उनके लिए तो फिर पकौड़े ही सही है, और जिनको पकौड़े भी नहीं पसंद है उनका कुछ नहीं हो सकता पर जिनको पकौड़े पसंद है और पकौड़ा कढ़ी पसंद है, उनके लिए ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, और डिफरेंट भी है टेस्ट इसका, और चेंज भी है। रेगुलर वाले पकौड़ा कढ़ी जैसा ही है, लेकिन पकौड़े में जब आप मैश करेंगे पकौड़े को राइस के साथ, तो अरबी के पत्ते का पूरा स्वाद आएगा। फलके भी सीख चुके हैं, और बस घी लगा करके रोटियां रखती हैं मैंने। और जब कढ़ी बनती है तो चावल तो मतलब ज़्यादा ही पसंद रहते हैं सबको। कढ़ी को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया हांडी में, और इसे ढक करके साइड में रख देंगे। चावल का कुकर मैंने बीच में ऑन किया था जब मैं रोटियां सेक रही थी, और ये एक विसिल हो चुकी है, स्टीम पूरी निकल चुकी है, चावल एकदम परफेक्ट खिले खिले से बन चुके हैं। और चावल को भी मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये माइक्रोवेव सेफ बोल रहते हैं, तो फिर इजी रहता है, अगर गर्म करना है तो आप टाइम पे गर्म भी कर सकते हो। और कढ़ी चावल चपाती करेले की सब्ज़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कल मैंने बनाए थे फ्राई करेले। करेले एक दिन बनाओ तो दो दिन खाते हम लोग आराम से। और ये मिर्ची का अचार है, इंस्टेंट मिर्ची अचार, जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। दाल राइस हो या फिर कढ़ी चावल हो, हरी मिर्ची का चटपटा वाला अचार अच्छा लगता है। तो बस थाली लगा रही हूँ मैं, गर्मा गर्म पकौड़ा कढ़ी है, प्लेन राइस है, करेले की सब्जी है फ्राई करेला, और सुबह शुभम के लिए भिंडी बनाई थी ना, थोड़ी सी बची थी, वो जितनी कम क्वांटिटी बनाओ लंच टाइम पे थोड़ा सा रहता ही है, और मिर्ची का अचार चटपटा वाला, गाजर की सैलड। तो हमारा सिंपल और टेस्टी वाला लंच, मेरा फेवरेट कढ़ी चावल वाला खाना। मुझे तो कढ़ी बनती है तो चावल ही खाने रहते हैं। बस आज हमारा यही लंच है, आपने क्या बनाया ज़रूर बताना। सब लोग बताते हैं, जो बताते हैं तो फिर हमें याद आता है कि हाँ अरे ये तो हमने बहुत दिनों से नहीं बनाया, ये तो हमें बनाना है, तो हमें भी कुछ आइडिया मिलते रहते हैं ना इसीलिए। और सबकी रसोई की हालचाल भी मिलते रहते हैं, कहाँ क्या बन रहा है। चलो आज बातें करते हैं फिर से। जोड़ी सिर्फ जूतों की मिलती है, बाकी सब भ्रम है। समझ में आया? जूते की जब हम पेयर लेते हैं, जोड़ी यानी एक पेयर लेते हैं, सेम नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, दोनों ही डिट्टो सेम होते हैं, यानी शूज़ का जो पेयर होता है सिर्फ वो ही परफेक्ट मिलता है, दोनों पैरों में बराबर से बैठता है, बाकी सब जीवन में भ्रम है समझ गए ना इशारा कहाँ पर है? अभी इशारे को मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक्चुअली जो चीज़ें हमें देखने में लगती हैं ना, वो सही नहीं, वो असल जिंदगी नहीं होती। यानी जो दिखता है वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो कभी नजर नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखना।
मान लो आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, क्लोज फ्रेंड, आप उससे कभी अकेले में मिलते हैं, सिर्फ आप और आपका दोस्त है, और आप बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं, आप बहुत ही सीरियस मूड में हैं, और उससे कह रहे हैं कि यार मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती फीलिंग्स, जो भी हमारे चॉइस हैं या जो भी हमारे बीच जो चॉइसेस हैं या हमारे विचार हैं बिल्कुल भी मैच नहीं करते यार, मतलब बहुत सीरियस मूड में हो आप, और आप अपनी फ्रेंड से शेयर कर रहे हो ये बात कि हम दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं है, और किस्मत और ये वो एंड ऑल, आपने जो भी अपने वर्ड्स में बातें कर ली अपनी फ्रेंड से, ठीक है, आप बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं, आप बिल्कुल सीरियस हैं, तो आपकी फ्रेंड पता है जब कोई नहीं है और सिर्फ आप दोनों हैं, वो भी फिर समझ जाएगी कि आप बहुत सेंसिटिव टॉपिक में बात कर रहे हैं और सीरियस हैं इस टॉपिक को लेके, मजाक के मूड में नहीं है, तो फिर वो भी आपसे पता क्या कहेंगी। हमारा भी यही हाल है, और दो चार बातें वैसी बताएगी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या, मतलब यहाँ पर भी सेम हाल है। एक्चुअली होता क्या है, जितनी भी जिंदगियां चल रही हैं वो सिर्फ घसीट रही हैं, चल रही हैं। जो आप देखते हैं वो 24 घंटे के, कुछ 10 सेकंड्स के, कम से कम 25-30 फोटो क्लिक की जाती हैं, जो 10 सेकंड जो खूबसूरत 24 घंटे के 10 खूबसूरत 10 सेकंड खूबसूरत के जो पल हैं उसमें जो 25-30 फोटो खींची जाती हैं, उसमें से भी 25-30 फोटो में से भी जो चुनिंदा 5 बेस्ट फोटो होती हैं वो आपके साथ सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है, या व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाते हैं। एक्चुअली वो असल जिंदगी नहीं होती, जो 5 खूबसूरत पल जो आपने ऐसे क्लिक क्लिक कैप्चर जो हुए हैं, फोटो देख लिए और आपने सोचा वाह इनकी कितनी अच्छी जिंदगी है, कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और एक हमारी जिंदगी है कि हम बस नरक नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप करीब से देखेंगे या आप करीब से जानेंगे या उनके दिल को महसूस करेंगे तो आपको सेम वही घाव, वही जख्म, वही निशान मिलेंगे उनके पास भी जो आपके पास है। आपको लग रहा होगा कि सामने वाले की जिंदगी कितनी अच्छी है, नहीं वो अच्छी बच्ची कुछ नहीं होती। बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हो जिनकी जिंदगी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे ना, कि बिल्कुल इनकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं मसले, वहाँ तो आप ऐसे झांक के भी देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये तो बहुत ही दुर्दशा है इनकी, तो हम तो फिर भी बेहतर है। इसीलिए हमेशा यही मान के चलो जो आज का ज्ञान मिला है। जोड़ी सिर्फ जूते की मिलती है, बाकी सब भ्रम है। चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। दोस्तों पे जब जिक्र हुआ कि जिनसे हम अपने दिल की बातें कर सके, पता है स्कूल टाइम की मैं बहुत दिनों से बताना चाह रही थी, जब हमने एक दिन स्कूल के बारे में बात की थी तो ये बातें रह गई थी बताना। इतना लंबा था स्कूल वाला टॉपिक, क्योंकि उन बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। हम स्कूल में क्या पहन के जाते थे और कैसे चोटी करके जाते थे, आज मैं ये शेयर कर रही हूँ, और आपको भी बताना है मुझे आज कि आप क्या पहन कर जाते थे। हमारे GGIC स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में, वाइट शर्ट हुआ करती थी और स्काई ब्लू कलर की स्कर्ट होती थी, शर्ट एंड स्कर्ट, 10th तक, 10th क्या 8th तक शायद, उसके बाद फिर वो सूट पहनते थे, क्योंकि मेरी हाइट कम थी तो हमने पूरा वही पहना है 12th तक, स्कर्ट और एंड शर्ट, और जो थोड़ी बड़ी लड़कियां थी सूट भी पहनती थी, उसमें वाइट दुपट्टा होता था, स्काई ब्लू कुर्ता होता था और वाइट कलर का शलवार होता था। तो आपने क्या पहना ये बताना। मैं तो स्कर्ट पहनती थी और स्कर्ट घुटने के ऊपर अच्छी लगती थी, पर मम्मी जब भी खरीदती थी तो वो 6 साल तक चल जाए, 6 मिली है तो 12वीं तक पार हो जाए, तो मतलब वो इतनी एक बीता लंबी हुआ करती थी, उसको फोल्ड करके तुरपाई करा लेते थे ताकि थोड़ी तो चोटी दिखे, और जब 2-3 साल निकल गए स्कर्ट बिल्कुल वैसी की वैसी है, क्योंकि 2 स्कर्ट होती थी धुलने और पहनने के हिसाब से, तो फिर नीचे की जो तुरपाई की जाती थी वो खोल दी जाती थी, तो फिर वो अलग से दिखती थी, हालांकि कलर वो एक लाइट स्काई ब्लू एक डार्क स्काई ब्लू नजर भी आता था। अब जब हाइट बढ़ गई तो नीचे से बच्चों की खोल दी जाती थी और घुटने के ऊपर वाली स्कर्ट अच्छी लगती थी, और मम्मी लोग सोचती थी कि घुटने पैर वैर ना दिखाई दें तो पूरा लंबा, और मोजे कितने पहना जाते थे घुटने तक, ताकि मतलब वो घुटने तक पूरा सॉक्स रहे और उसके स्कर्ट रहे, फिर जूता रहे, कुछ भी नीचे का दिखाई ना दे। फिर भाई कुछ कुछ लड़कियों को हमने देखा कि भाई वो तो इतनी तो सिर्फ सॉक्स पहन के आती थी, पैर दिख रहे होते हैं और फिर वो स्कर्ट घटने तक दिखती, कितनी अच्छी लगती थी। फिर हमारा ही मन हुआ, मम्मी से कहा कि हमको ये छोटी करनी है, इतनी लंबी वाली स्कर्ट नहीं चाहिए, और वो मोजे इतने लंबे नहीं पहनने तो छोटे मोजे लेके आए। छोटे मोजे भी कितने छोटे थे पता है, वो भी घुटने से नीचे थे, मतलब उसमें कोई अंतर तो था ही नहीं। हमने कहा वो इतने इतने से कैसे हो जाते हैं, पता चला कि जब इस सॉक्स की
इलास्टिक खराब हो जाए तो वो लूज हो जाते थे, फिर वो ढीले ढीले हो जाते तो अपने आप खिसक जाते थे, फिर शूज में इतने इतने से वो दिखते थे सॉक्स और फिर बाकी के पैर दिखाई दे। और ना स्कर्ट की जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं ऐसे देखो, ये स्कर्ट की टाइट टाइट वो कपड़ा रहता था तो जैसे स्कर्ट्स की ऐसे प्लेट्स बन जाए तो ये इस तरीके से जो आता था ना ये देखने में अच्छा लगता था। वो चाहे गंदी भी क्यों ना हो स्कर्ट में प्रेस करके यो घिस के रगड़ के कि वो क्रीज बिल्कुल वैसी की वैसी रहे, खड़े होते ऐसे एक 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 ऐसे प्लीट्स नजर आए वो अच्छी लगती थी। वो फैल जाती थी प्लीट्स, वो अच्छी नहीं लगती थी। फिर थोड़े दिन तो छोटे थे हम लोग, अपने मन से कुछ नहीं कर पाते थे, फिर थोड़े बड़े हुए समझ आए कि प्लीट्स कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से फिर ध्यान रखने लगे। और चोटी में पता है क्या लगाते थे, फीता, फीता फीता ही कहते थे भले अब उसको रिबन कह लो वो इतना चौड़ा सा फीता होता था, उसको लास्ट में जब मीटर के हिसाब से मिलता था ब्लैक रिबन लगाना होता था दो चोटी। पहले मम्मी पता है बीच की मांग निकाल करके दो चोटियाँ करती थी जब मम्मी करती थी, और यहाँ पे फीता बांध दे के वो जो आखिरी तक चोटी की पूरी गूंथ करके लास्ट तक फिर गांठ लगा दी जाती थी रिबन से, टाई कर देते थे, फिर रिबन को फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे करके फूल बना दिया जाता। वो इतना चौड़ा वाला काले रंग का फीता जिसको एंड जब मीटर की कटिंग होती थी ना तो उसको लास्ट की वो सिलने के लिए कुछ बच्चे तो पाई भी कर लेते थे, कुछ बच्चे ऐसे गैस पे गर्म कर लेते थे तो वो डॉट 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 बन जाता था, अगरबत्ती से भी डॉट 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 बनता था। तो हमने काफी सालों तक वही रिबन वाला करके चोटियाँ चुटैया की थी, दो चुटैया बीच की मांग। फिर मेरी स्कूल के फ्रेंड ने बोला था कि बीच की मांग वो लोग निकालते हैं जिनकी शादी हो जाती है, तो वैसे लंबी मांग निकलती है ना, पति की उम्र लंबी होती है जब से ये पता चल गया। पर मम्मी तो मम्मी मुझे टेढ़ी मांग निकालनी है साइड से, यहाँ से मांग निकालिए मेरी ऐसे करके, फिर दो चोटी, फिर मम्मी ऐसे करने लगी। अब ये चोटी, ये जो गड्ढा बन गया ना यहाँ पर, ये देखो कितने सालों यहाँ से चोटी बनी होगी, जब से स्कूलिंग शुरू हुई होगी ट्वेल्थ तक यही टेढ़ी मांग यूं और फिर यहाँ से ऐसे और फिर बीच का फिर पीछे से पार्टीशन, फिर दो चोटी और फीता लगा के रिबन। फिर जब मेरी फ्रेंड पूजा, वो उसके छोटे छोटे से बाल थे और वो चोटी करके यहाँ पर ऐसे फूल लगाती थी, मतलब वो फोल्ड नहीं करती थी, उसकी लेंथ कम थी ना बालों की, और नीचे से वो हमेशा यू शेप में बाल रखती थी, तो यू शेप वाले बालों की नीचे तक ब्रिड्स नहीं बनती थी, वो यहीं पर ऐसे तीन चार बार ऐसे किया ब्रिड बनाई और फिर यहाँ पर उसने रिबन लगा लिया, वो भी कौन से सैटन के जो इतने पतले से होते हैं, ब्लैक कलर के सैटन के, नाजुक से होते हैं, हालांकि एक दो दिन की चोटी के बाद वो ऐसे पतले पतले भी हो जाते हैं, उनको फिर रोज प्रेस करके सीधा करना पड़ता था, हमारे वाले टेढ़े नहीं होते थे, हमारे चौड़ा का चौड़ा ही रहता था, इतना बड़ा से ऐसे गुच्छा फूल रहता तो पूजा ने जब यूं लगाना शुरू किया तो अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा था कि मैं भी ऐसे लगाऊंगी, तो हमारे घर के पास ही हुआ करती दुकान है, हमारा घर ही मार्केट में होता है, तो हमने एक बार वो भी लिया था मीटर के हिसाब से वो रिबन पतले वाले, तो ले लिए। अब वो भैया वो यहाँ तो हमारी तो इतनी लंबी चुटैया पतली पतली बाल बालते बाल कुछ दम खम नहीं था, पर कटवाए नहीं जाते थे ना कभी बाल, भाई साहब बाल कटवाना एक बहुत बड़ा जुर्म होता था पहले पहली बार जब हमने बाल कटाए थे तो बाल खाए थे वो भी बिना बताए बाल कटवा लिए थे, बाल कटाना मना था, अब क्या ही करते शौक जो था पता भी था कि मार का मार मिलेगी, मार खा भी लिए, लेकिन वो जो शौक पूरा करना था। उसके बाद चोटी में जो वहाँ सैटन वाला रिबन ना नीचे से करके ऊपर तक लगाओ तो वो ऐसे टिड़े मिड़े होते थे फूल, फिर बाद में अपने उसी चौड़े वाले फीते में आ गए थे हम, वो चौड़ा चौड़ा सा पट्टा जैसा होता था रोल, उसमें भी रेड और ब्लैक होता था, हमारे स्कूल में हम लोग ब्लैक लगाते थे, और उसी फीते का जो बालों में लगता है जो हम लोग के यहाँ जैसे आजकल बच्चों के हाउसेज होते हैं तो उनके हाउसेज में देखो बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, बकायदे कलर चेंज होते हैं कि आज हाउस डे है तो वो येलो ड्रेस पहनेंगे, रेड ड्रेस पहनेंगे या जो भी एक्सेट्रा ग्रीन है, हर बच्चों का अलग होता है। हमारे समय में सदन हुआ करते थे, सदन नाम होते थे, जैसे मेरा सदन सरोजनी सदन था, मैं पर्पल कलर का ब्रॉच पहनती थी, ब्रॉच ऐसे सेफ्टी पिन लगा करके यूं लगाया जाता, वो उसी रिबन से बनता था जिससे हम चुटैया बनाते थे, तो वो हम ब्लैक लगाते थे, और यहाँ पे कलरफुल था, एक रेड हुआ करता था, ग्रीन होता था, एक पर्पल होता था मतलब बैगनी कलर मैजेंटा, और बिल्कुल स्याही वाला कलर होता था नीला, वो फीते में कलर यहाँ लगाते शर्ट के साथ पिनअप, और अगर जो अपना ये लगा के नहीं आया ना स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, तो याद से लगाना पड़ता था, और अपने अपने सदन का जो पीरियड होता था उसमें जाते थे सारे बच्चे, और मैदान में सरकारी स्कूलों के सब मैदान होते हैं, हर चीज़ ग्राउंड पे सारे होते हैं प्रोग्राम, बाकी सिर्फ क्लासेस होती थी, वो भी सर्दियों में मैडम का मन चला धूप में बैठना है तो कहो क्लास भी धूप में लग जाती थी
फिर जो मॉनिटर होती थी वो आगे पीछे जाके चेयर टेबल रखना और ये वो करके, और ये सब कुछ कुछ यादें हैं जो मुझे याद आ रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सोच करके, हंस रही थी मैं तो। शुभम पूछा कि क्या बात है, तो मैं कुछ नहीं शुभम, याद आ गई पुरानी बातें, तो उसको मैं बताने में लगी हुई थी कि ऐसा 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 हुआ करता था। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर किसी दिन शेयर करूंगी, नहीं तो आज ही पूरी हो जाएंगी, तो फिर रह जाएगा थोड़ा बहुत बताना। आज मुझे बताओ सब लोग कि स्कूल में यूनिफॉर्म किस कलर की थी, क्या पहनते थे आप लोग 12th तक, फिर उसके बाद तो अपनी मर्जी शुरू हो गई थी कॉलेज वगैरह में। मैं यूनिवर्सिटी में जब गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो फिर तो कुछ नहीं था, ड्रेस व्रेस कोई भी कुर्तियाँ कोई भी कपड़े पहनो। और 12th में क्या यूनिफॉर्म थी और कौन कौन कैसी चोटी बनाता था मुझे ये जानना है, और किस साइड की मांग होती थी, क्योंकि ये मांग भी बहुत बड़ा इशू है। शुभी कहती है आपने मेरी यहाँ से मांग निकाल के गड्ढा कर दिया, और सच में मेरा भी देखो गड्ढा हो गया है यहाँ से, ये ऐसे ये गैप हो गया है। कितना भी तुम ऐसे कुछ भी ऐसे करके चोटी करना चाहो कोम करो ना, यहाँ का गड्ढा ऐसे, और वैसे भी गंजे हो ही चुके उम्र के साथ पूरे गंजे हो गए हैं, तो यहाँ तो पूरा चिकना ही हो गया है, और पहले से ये निशान टेढ़े मांग की वजह से हो जाता है। तो मुझे जानना है कौन सीधी मांग निकलता था, कौन टेढ़ी मांग निकलता था, कौन स्कर्ट पहनते थे, किस कलर की पहनते थे, अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, और चोटी कैसे की जाती थी। कुछ लोग बच्चे रबर बैंड लगाते थे क्या, पोनी टेल बनाते थे क्या, हमारे यहाँ पोनी टेल अलाउ नहीं था, जो पोनी टेल बना के आ जाए ना ऐसे रबर बैंड लगा के आ जाए तो बस सीधा लाइन से बाहर ग्राउंड पे। एक हमारी स्पोर्ट टीचर थी रेनू मैम, वो इन सब चीज़ों को बहुत दूर से देख लेती थी, बराबर समझ में आ जाता था, और तो कुछ करते ही नहीं थे हम लोग। काजल लगाते थे, और काजल का शौक आ गया था मुझे शायद, लग रहा है 11th से ही भी मैं लगाने लग गई थी, 11th 12th से सब दिन काजल ही। फिर जो शुरू हुआ तो काजल आज तक कभी छूटा ही नहीं, काजल के लिए नहीं कभी किसी ने रोका, बाल कटाने को बहुत मना किया जाता था। तो किस चीज़ों के लिए आपके घर में बचपन में रोक टोक थी ये भी मुझे बताना। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में, सभी के रिप्लाई चाहिए है, अच्छा लगता है पढ़ के आप लोगों के बारे में जानकर, और फिर मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे ना, तो मैं अपने स्कूल के दौरान वाली बहुत मज़ेदार सी बातें शेयर करूंगी जो मुझे याद आ गई और मुझे बतानी अपने दोस्तों से। ठीक है, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।